टाइम लैग्स इन डिफ्यूजन. सो व्हाट इज दैट टाइम लैग्स इन डिफ्यूजन? टाइम लैग्स हम एक देते हैं कि जैसे कि टाइम लैग क्या है, ऐसा टाइम पीरियड, ऐसा वो फर्क जब कब आता है कि एक नई चीज इंट्रोड्यूस हुई, नई चीज की इंट्रोडक्शन से लेके उस नई चीज की वाइड स्प्रेड एडॉप्शन तक का जो गैप आ रहा है, इसको कहते हैं हम टाइम लैग. जैसे आई विल गिव यू द एग्जांपल कि यूट्यूब कब इंट्रोड्यूस हुई, ठीक है, यूट्यूब ने कब फंक्शन करना शुरू किया, यूट्यूब के ऊपर लोगों ने चैनल्स कब से बनाना शुरू किए, राइट, और 2005, अब 2005 में इंट्रोड्यूस हुई है 15 साल पहले, मतलब 16 साल आप ये कह सकते हैं उसका चल रहा है, तो 15 साल पहले वो इंट्रोड्यूस हुई है, तकरीबन 15-16 साल की हम बात करते हैं, तकरीबन 16 साल पहले इंट्रोड्यूस हुई है. अब उसकी इंट्रोडक्शन से लेके अब हमें ये देखना कि यूट्यूब को कितने लोगों ने इस्तेमाल करना शुरू कर दिया है. यूट्यूब के ऊपर अगर हम इस्तेमाल करने की बात करते हैं तो हम ये कहते हैं कि पाकिस्तान के फॉर एग्जांपल तमाम लोगों ने यूट्यूब को इस्तेमाल करते हैं, लेकिन इस यूट्यूब के जरिए से अर्निंग करना, कमाना कितने लोगों ने शुरू किया, अभी तक तो नहीं शुरू किया ना, गैप है ना, वाइड स्प्रेड अडॉप्शन मतलब बड़े लेवल पे, बड़े स्केल पे उसकी कितनी अडॉप्शन हो रही है. तो वाइड स्प्रेड अडॉप्शन की बात कर रहे हैं कि बड़े लेवल पे कितनी अडॉप्शन हो रही है, तो वो बड़े लेवल की अडॉप्शन और उसके इंट्रोडक्शन के दरमियान में ये जो गैप आ रहा है, ये जो टाइम आप कह सकते हो कि ये ब्रेक आ रहा है, इसको हम कहते हैं टाइम लैग. ठीक है, फर्स्ट द टाइम ऑफ फर्स्ट इंट्रोडक्शन टू द टाइम पीरियड व्हेन ऑल ऑफ द पीपल या ऑल ऑफ अ सोशल सिस्टम स्टार्टेड यूजिंग दैट थिंग, तो वो हमारे पास वो जो टाइम गैप आ रहा है, वो जो टाइम पीरियड लग रहा है, उसको टाइम लैग कहते हैं. ठीक है, तो चेंज टेक्स टाइम, ये शब्द कि चेंज टाइम वक्त लेता है, बहुत ज्यादा वक्त लेता है. ठीक है, टाइम लैग कब आता है? डिस्पाइट ऑफ फेवरेबल एटीट्यूड्स टुवर्ड्स चेंज, कि अगर आपका एटीट्यूड तो डेवलप हो गया, आपने उसकी तरफ सोच तो आपकी ये समझ में तो आ गया कि हाँ भाई यूट्यूब के जरिए से घर बैठे मैं कमा सकता हूँ, यू हैव डेवलप्ड दिस एटीट्यूड, लेकिन फिर भी आपको इसको इस्तेमाल करने में, इसको सही तरीके से अपनी जिंदगी में शामिल करने में वक्त लगेगा. तो दैट शोज कि दिस इज टाइम लैग, कि इसको इस्तेमाल करने में, इसको अडॉप्ट करने में भी आपको वक्त लग रहा है. तो टाइम लैग क्या है? इंट्रोडक्शन ऑफ न्यू आइडिया टिल इट्स वाइड स्प्रेड अडॉप्शन. गोल्स ऑफ डिफ्यूजन क्या है? कि गोल है डिफ्यूजन का, अब ये गोल है कि ये जो टाइम लैग आ रहा है, इस टाइम लैग को हम क्या करें, हम शॉर्टन करें, हम इसको रिड्यूस करें. ठीक है, अब कभी कभी कहते हैं कि डिफ्यूजन ऑफ इनोवेशन को रोकने की, कि ये जो चीजों को फैलाव हो रहा है इसको रोकने की कभी कभी नाकाम कोशिशें भी की गई हैं. जैसे हमने एग्जांपल दी हुई है, ये जो गन पाउडर है, ये जो बारूद है, ये जो बारूद था ये इनोवेट किया था चाइना ने. अब चाइना ने बहुत कोशिश की थी कि ये जो इनकी इनोवेशन है आगे ना बढ़े, बल्कि उनके मुल्क में ये जो एक राज है ये इनके पास मौजूद है. लेकिन क्या हुआ, उन्होंने बहुत कोशिश की इस नॉलेज को बाहर ना निकालने की, लेकिन ये नॉलेज निकल आया. आगे लोगों, पूरी दुनिया के लोग अब क्या कर रहे हैं, गन पाउडर को इस्तेमाल कर रहे हैं. दूसरा है न्यूक्लियर वेपन्स, ठीक है, एटॉमिक बॉम्ब, एटम बम बनाने का जो तरीका था वो अमेरिका के पास था, लेकिन क्या हुआ कि वो उसने बहुत कोशिश की कि एटम बम बनाने का जो तरीका था ये बाहर ना निकले, बाहर ना फैले, लेकिन फिर भी क्या हुआ कि उनकी ये कोशिश नाकाम हुई और ये जो डिफ्यूजन ऑफ इनोवेशन को उन्होंने रोकने की कोशिश की थी ये नहीं रुका, और जो एटॉमिक बॉम्ब बनाने की जो नॉलेज थी वो आगे सब तक